सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके रेडियो में। मैं अपने फराज, हम इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर 7th of December 2018 का जितना भी करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा उस सभी को वीडियो में। तो बिना देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले इसके डिस्क्रिप्शन में आपको PDF की भी लिंक मिल जाएगी, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो यहाँ पर पहला सवाल है वह है कि हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस तो यह जो है 7th December को मनाया गया है। 1949 से ही वहाँ पर सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। यह जो है बेसिकली सीमाओं पर बहादुरी से लड़ने वाले पुरुष एवं महिला सैनिकों को जो है वहाँ पर सम्मानित किया जाता है। किस दिन? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस के दिन, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। इसके बाद जो अगला सवाल है वह है कि हाल ही में किस देश की नौसेना ने एडमिरल कप 2018 जीत लिया है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी जो कि है इटली। इटली ने जो है यहाँ पर इसका ये जो कप है यहाँ पर एडमिरल कप 2018 उसे जीत लिया है। यह जो है 9वां संस्करण था जिसका आयोजन केरल में किया जा रहा था, ठीक है, केरल भारत में इसका वहाँ पर आयोजन किया जा रहा था। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि इसके अंतर्गत सिंगापुर जो है वह दूसरे स्थान पर था, जबकि USA जो है वह तीसरे स्थान पर था, जबकि इसके अंतर्गत मेजबान भारत चौथे स्थान पर था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वह है कि हाल ही में सार्वजनिक परिवहन मुक्त करने वाला पहला देश कौन सा है, ठीक है, यानी कि किस देश में भी हाल ही में सार्वजनिक परिवहन जो है यानी कि जैसे ट्राम, ट्रेन और बस, उससे पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है, तो यह देश कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि है लग्जमबर्ग, ठीक है। लग्जमबर्ग की राजधानी भी लग्जमबर्ग सिटी ही है और यहाँ की जो करेंसी है वह है यूरो। इसके बारे में बताएं तो इसके अंतर्गत जो है 2020 तक, ठीक है, इसे वहाँ पर लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत। और यहाँ एक और चीज़ है कि इससे पहले यानी कि इससे पहले वर्तमान में हम बात करें तो यहाँ जो है 20 वर्ष से कम आयु के लोगों को जो है परिवहन सुविधा मुफ्त है, ठीक है, यानी कि यहाँ ट्रेन, ट्राम और बस जो है वह पूर्णतः फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा बता दें कि लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री कौन है, तो यह है जेवियर वेटल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यह है वार्षिक स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर जो कि है गोवा। इस बार का थीम था मोबिलाइजिंग ग्लोबल कैपिटल फॉर इनोवेशन इन इंडिया, यानी भारत में स्टार्टअप, इसका मुख्य उद्देश्य था इस बार का भारत में स्टार्टअप के अवसरों को प्रदर्शित करना। आगे चलते तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट पहल की शुरुआत की है। तो यह जो स्मार्ट पहल है इसकी शुरुआत वहाँ पर की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस ने कहा महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में इसके अंतर्गत सुधार करना इसका मुख्य लक्ष्य होगा, जिसके अंतर्गत तकरीबन 1000 गाँवों के जो सीमांत किसान होंगे उन पर जो है यहाँ पर बेसिकली यह कार्य किया जाएगा, उनके लिए यह कार्य किया जाएगा। इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया। तो यह था 7th December को। थीम था इस बार का वर्किंग टुगेदर टू इंश्योर नो कंट्री इज लेफ्ट बिहाइंड। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7th December। इसके बाद चलते हैं आगे। तो किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रपति के चुने भाषणों पर आधारित पुस्तक लोकतंत्र के स्वर यानी कि रिपब्लिकन एथिक है ना, यानी लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा अब तक कुल 243 भाषण दी गई हैं, जिनमें से 95 जो है को वहाँ पर चयनित किया गया है इस पुस्तक के लिए यानी लोकतंत्र के स्वर के लिए। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ दक्षिण 2017 के अंतर्गत साहित्य अकादमी के भाषा सम्मान के लिए किसे चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी जो कि है जी वेंकट सुब्बिया, ठीक है। इनको मुख्यतः प्राचीन एवं मध्ययुगीन साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत उनके जो योगदान है उसके लिए यहाँ पर इनको चुना गया है।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो यहाँ पर सवाल है वह है कि एशियाई विकास बैंक ने 6 दिसंबर को इनमें से किसके साथ वैकल्पिक खरीद व्यवस्था में प्रवेश किया है, ठीक है। तो यानी ADB एशियाई विकास बैंक 6 दिसंबर को किसके साथ वैकल्पिक खरीद व्यवस्था के अंतर्गत जो है प्रवेश किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के साथ। अब बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की। तो ऐसे में आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि वर्ष 2018 का हिंदी उपन्यास के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है, इसका आंसर आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।